America's own words, O. Radigan, Leal Hound of the Golden Order, thou art yet to become me. Thou art yet to become a god. Let us be shattered, both. Mine other self. Vitruvian Man, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, का मीनिंग ड्राइंग के रिवर्थ के अलावा भी बहुत कुछ है। सर्कल को स्क्वायर में करके काफी अच्छी मिस्ट्री को होल्ड किया गया है। द विट्रुवियन मैन में ह्यूमन को एक साथ सर्कल और स्क्वायर में बताया गया है, जो कि सिंबॉलिकली हेवन और नेचर को बताते हैं और दोनों मिलकर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ये भी ऐड कर सकता है कि एक एटर्निटी को और दूसरा टेम्परेरी थिंग्स को, या फिर एक विजडम को और दूसरा रैशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉइंग में टू बीइंग्स हैं, एक स्क्वायर में जिसके हैंड स्क्वायर को टच कर रहे हैं और दूसरा सर्कल में जिसके हैंड सर्कल को टच कर रहे हैं। ये माना गया था कि ये दोनों ज्योमेट्रिक शेप आपस में पूरा डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। जो सर्कल में है वो बताता है स्प्रिट के बारे में, ज्यादा हेवनली क्वालिटीज के बारे में, जबकि जो स्क्वायर में है वो फिजिकल बॉडी नेचर क्वालिटीज के बारे में। एल्डन रिंग के वर्ल्ड में ये मिस्टिकल और मैथमेटिकल क्वेरी को बनाया गया है। मुझे लगता है कि इस सिंपल ड्राइंग और इसके मीनिंग में ही मरिका और एडागान के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, या इसको इस तरह से बोले कि इस सिंगुलर बीइंग की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी के सारे आंसर्स हैं। मरिका और एडागान को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें मिकिला के बारे में जानना होगा। मैं मानता हूँ कि मिकिला की स्टोरी, जिसमें वो अपने फ्लैश, डाउट्स, फियर, यहाँ तक अपने लव को छोड़ देता है, ये सेम वैसा ही है जैसा मरिका ने किया था गॉडहुड में जाने के लिए। गॉड बनना एक डिवाइन या स्पिरिचुअल क्वेस्ट लगता है, जो फोर्स करता है सब कुछ छोड़ने के लिए। हमारी शेडो लैंड्स की जर्नी में हमें पता लगता है कि मिकिला इस क्वेस्ट पर है। वो अपना फ्लैश छोड़ रहा है, फ्लैश ही नहीं बल्कि वो सारे इमोशंस जो कि उसे गॉडहुड में जाने से रोके। वो अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी पूरी फीलिंग्स को रिमूव कर देता है, एक डिवाइन स्पिरिट बन जाता है, न्यूमिनस बन जाता है। शायद यही मतलब होता है न्यूमन होने का। न्यूमन की डेफिनेशन है कि न्यूमन एक स्पिरिचुअल फोर्स या इन्फ्लुएंस है, जिसको मोस्टली आइडेंटिफाई किया जाता है नेचुरल ऑब्जेक्ट, फिनामा या प्लेस से। मरिका सर्टेनली यही है अर्थ ट्री के लिए, और शायद पूरे लैंड्स बिटवीन के लिए भी, और शायद साइड्स ऑफ ग्रेस पर मरिका खुद हमें पॉइंट करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जाने के लिए। शायद मिकिला वही बनने का ट्राई कर रहा था शेडो लैंड्स में। अगर न्यूमन बनने का मतलब सब कुछ छोड़कर गॉड बनना है, तो रेस के डिस्क्रिप्शन का सेंस और बनता है, लॉन्ग लिव्ड बट सेल्डम बोर्न। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट्स बिलो। ये बस माइंड में आया, ये कोई एक सॉलिड थ्योरी नहीं है, बट मुझे लगा कि इसमें कुछ तो होगा। ये एक फेयर अजम्पशन है कि हमें जो सब कुछ छोड़ने का एक्ट दिखाया गया है मरिका की स्टोरी में, उसका कोई पर्पस है, क्योंकि मरिका कभी बोलती नहीं है और हम उसके गॉडहुड में जाने के बारे में कुछ नहीं जानते, अदर देन दोस फ्यू सेकंड्स इन द ट्रेलर विद कपल ऑफ वीक सेंटेंस। डेवलपर्स हमें मरिका की स्टोरी पैरेलल स्टोरीज के थ्रू बता रहे हैं। मतलब ये कि मैं ये मानता हूँ कि जो मिकिला के साथ हुआ जब वो गॉडहुड में गया, वही सेम मरिका के साथ भी हुआ। टोटल सेपरेशन उसका स्पिरिचुअल और फिजिकल के बीच, और फिजिकल को पूरा छोड़ देना। हम सभी जानते हैं कि मरिका ही रेडागॉन है, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, और ये कि वो दोनों हाफ हैं एक पूरे पर्सन का। इसका एविडेंस हमें मिलता है उनके स्कार सील्स में। मरिका की स्कार सील स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को बढ़ाती है और रेडागॉन की फिजिकल। आई बिलीव ये उसको भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों रेड बुल्स को रेडागॉन के साथ एसोसिएट किया जाता है। वो बीइंग्स नेचर के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले की बात को रिकॉल करते हैं, विट्रुवियन मैन एक सिंगल पर्सन के ड्यूल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, एक हेवनली और दूसरा फिजिकल साइड। मैं हमेशा सोचता था कि गॉड को एल्डर लॉर्ड की नीड क्यों है, कोई ऐसा गॉड तो है नहीं जो चाहता हो या नीड हो किसी के असिस्ट की उनके गॉडहुड में। बट अगर वो गॉड प्योरली स्पिरिचुअल हो और फिजिकली उनकी विल दूसरों तक ना पहुंचा सके, तब उनको नीड होगी समवन पावरफुल, समवन विद माइट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर गॉडफ्रे के रेन को देखें, उसने मरिका के सभी फोर्स को हराया, कोई भी सामने नहीं खड़ा था उसके, और आरटी की पावर बढ़ती गई। और जब मरिका वार को एंड करना चाहती थी, उसने रेडागॉन को सेंड किया वार खत्म करने के लिए। मैं मानता हूँ कि मरिका और अब मिकिला उनके गॉडहुड में जाने के बाद कम्प्लीटली स्पिरिचुअल बींग्स हैं, ऐसी बीइंग्स जो एक्सिस्टेंस के हायर लेवल पर है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो अभी भी बॉडी का स्पेक्ट्रल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन कर पाएगा स्टैचूज और पेंटिंग्स को, बट उन्होंने अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ दिया है, तो उन्हें नीड है एक फिजिकली पावरफुल पर्सन की जिसके वो पीछे खड़े हो सकें व्हाइल दे पुल द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द कर्टन। विट्रुवियन मैन को रिविजिट करते हैं, याद है उसमें टू बीइंग्स सुपर इम्पोज्ड हैं। अब मरिका और एडागॉन के स्टैचूज को सुपर इम्पोज्ड करके देखें। यही नहीं, अगर हम मरिका और एडागॉन के हैंड्स को देखें कि वो कहाँ पर टच कर रहे हैं, मरिका सर्कल है डिवाइन एंड हेवनली, जबकि रेडागॉन स्क्वायर है फिजिकल नेचर।
मैं सोचता हूँ कि जैसे हमें मिकिला के गॉडहुड में जाने को बताया है, हम फाइनली रेडागॉन के ट्रू ओरिजिन को समझ सकते हैं। रेडागॉन मरीका की फिजिकल बॉडी है, वो सब जो उसने छोड़ दिया गॉडहुड में जाने के लिए, हर फ्लैश, हर आई, हर हार्ट, हर फीलिंग्स ऑफ डाउट्स, हर फियर, परहैप्स इवन हर लव, ऑल मैनिफेस्टेड इनटू वन पर्सन। ये कास्ट आउट और अबैंडन अदर सेल्फ एक अपोजिट जेंडर भी है। सिमिलरली मिकिला उसके फेमिनिन सेल्फ सेंट ट्रीना को छोड़ देता है। इंटरेस्टिंगली रानी भी सेम करती है, वो भी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है एंड असेंड टू गॉडहुड व्हाइल मेकिंग अस हर कंसोर्ट। क्या वो अवेयर थी इस रिक्वायरमेंट के बारे में? क्या यही पर्पस था नाइट ऑफ ब्लैक नाइव्स का? मे बी इट्स ट्रू कि गॉडविन एक स्पेसिफिक टारगेट था उस नाइट। अब ये हमें हेल्प करता है रेडागॉन के ओरिजिन को समझने में, बट वो कैसे वापस मरीका बना? ऐसा लगता है कि रेडागॉन की बॉडी मिकिला के साथ स्पेड आउट है, किंग ओरियस की तरह, एक आर्म यहाँ, एक लेग वहाँ और हार्ट कहीं और। और यहाँ पर उसकी ग्रेट रून काम आती है, ग्रेट रून ऑफ द अनबॉर्न। हम जानते हैं कि वो रेडागॉन के पास थी, उसने रेनेला को गिफ्ट की थी। हो सकता है कि उसने वो अपने ऊपर ही यूज कर ली हो, और हो सकता है कि उसकी ग्रेट रून उसके रिबर्थ होने की वजह से ही आई हो। ऑब्वियसली ये सब स्पेकुलेशन है, बट ये नैरेटिव में फिट बैठता है। क्या होगा अगर कोई अमेरिका का क्लोज जो ना चाहता हो कि वो गॉडहुड में जाए, वो इन सब पीसेस को कलेक्ट करके उन पर ग्रेट रून यूज करे? हम जानते हैं कि एक फोर्स है जो ब्रोकन थिंग्स को जोड़ सकता है। इसका एविडेंस हमें हेप्टी क्रैकपॉट से मिलता है। ये हेप्टी क्रैकपॉट इसी तरह से अपने आप को वापस जोड़ लेता है टूट जाने के बाद। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अमेरिका सीम्स टू बांड फ्रीडम फ्रॉम हर गॉडहुड। उसने ह्यूक को एक वेपन बनाने का टास्क दिया जो कैपेबल हो गॉड को मारने के लिए। My masterpiece to slay a god. That's all I've lived for. And my promise to Queen. And my promise to Queen America. और रोड्रिका हमें बताती है कि गॉड मरीका है। I know he was given this great entreaty to craft a weapon which could slay a god. Though I can't help but think of it as a curse, a fearsome curse, put on him by Queen Marika. If that's the case, I'm not sure there's anything we can do. Please, become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika, who cursed us all. Marika Elden Ring ko tod deti hai और हमें एक टार्निश्ड को वापस लाती है, गाइड करती है, सारे नेसेसरी टूल्स देती है उसके इम्प्रिजमेंट को खत्म करने के लिए। सेंट्रीना हमें बताती है कि गॉडहुड कोई अच्छा नहीं है, गॉडहुड एक प्रिजन है। मुझे मरीका अर्टी के प्रिजन में ही लगती है, और उसके फ्री होने का एक ही रास्ता लगता है कि वो सब कुछ रिवर्स करे जो उसने गॉडहुड में आने के लिए किया था। अगर मरीका के मॉर्टल फ्लैश को छोड़ने से वो इमोर्टल और एक गॉड बनती है, तो उसके वापस मॉर्टल बनने और मास्टर ह्यूक के प्रॉमिस को पूरा करने का एक ही रास्ता है कि मरीका वापस अपने मॉर्टल फ्लैश से जुड़े, जिससे वो वापस मॉर्टल बने, लेवल बने। टू समराइज, आई बिलीव रेडागॉन इज मरीकास डाइवेस्टेड फ्लैश, एज आई थिंक मैनी ऑफ अस आर स्पेकुलेटिंग। आर्टी सेंचुअरी में हमें एक एकेडमिक बुक मिलती है, गोल्डन ऑर्डर प्रिंसिपिया, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं रेडागॉन्स रिंग्स ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिग्रेशन के। इस बुक में हमें रेडागॉन का नेम और एक इनकांटेशन मिलता है जो रिवील करता है कि रेडागॉन और मरीका एक ही हैं। मरीका जो गॉडहुड के कर्ज को एंड्यूर नहीं कर पा रही थी, शी विशेस टू डाई। वो मास्टर ह्यूक को इम्प्रिजेंट करती है वेपन बनाने के लिए जो कैपेबल हो गॉड को मारने के लिए, उसके लिए, मरीका के लिए। पर उसे उसके अदर हाफ की नीड है, वो ही उसे वापस मोटर बना सकता है। वो वापस कैपिटल में जाती है और अपने अदर हाफ से जुड़ जाती है और एल्डन रिंग को तोड़ देती है, वही जो उसकी पावर का मेन सोर्स थी। मेकिंग हर वर्नेबल एंड मोर्टल, वेटिंग फॉर समवन स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिनिश द जॉब। जब हम गेम को खत्म करते हैं तब कोई गॉड नहीं है, पर एल्डन रिंग रहती है एंड वी बिकम द कंसोर्ट टू ए कॉर्प्स। हमारा वहां आने का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि जो गॉड थी वो जा चुकी है। Like many others, she has suffered long enough. Thank you all for watching. If you enjoyed this video, please consider leaving a like and subscribing to the channel. I will see you guys in the next one. Bye-bye.